नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं राजा फतेहपति शाह का सहारनपुर अभियान एवं कुमाऊं के राजाओं से आक्रमण। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पहले राजा फतेहपति शाह का सहारनपुर अभियान। दोस्तों दरअसल 1692 ईस्वी के आसपास होता यह है कि सहारनपुर में पुंडी एवं गुर्जर जातियां निवास करती हैं और ये जातियां देहरादून क्षेत्र में बार बार लूटपाट करती रहते हैं और जब हद ही पार हो जाती है इनका बार बार देहरादून के क्षेत्र में लूटपाट करने का, तो अब राजा फतेहपति शाह क्या करेंगे, सहारनपुर अभियान करेंगे या सहारनपुर पर 1692 ईस्वी में आक्रमण करेंगे। और राजा उस टाइम पर सहारनपुर का जगत कुंडीर होता है और इस युद्ध में जगत कुंडीर की हार हो जाती है। सहारनपुर अभियान में राजा फतेहपति शाह इस जगत कुंडीर को हरा देते हैं 1692 ईस्वी में सहारनपुर अभियान में। दोस्तों जो ये सहारनपुर वाला क्षेत्र है ये उस टाइम पर मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता था और उस टाइम पर ये जगत सिंह कुंडीर दिल्ली भाग जाता है और दिल्ली से इसकी मदद के लिए सैयद अली को भेजा जाता है। और जब ये जगत सिंह कुंडीर एवं सैयद अली दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं गढ़वाल पर, तो इस बार राजा फतेहपति शाह हार जाते हैं। अर्थात जब पहले 1692 ईस्वी में राजा फतेहपति शाह आक्रमण करते हैं सहारनपुर पर, तो उस टाइम पर जगत सिंह कुंडीर हार जाता है, लेकिन उसके बाद जगत सिंह कुंडीर दिल्ली भाग जाता है और दिल्ली से सैयद अली उसकी मदद के लिए आता है और उसके बाद सैयद अली एवं जगत सिंह कुंडीर दोनों मिलकर इस राजा फतेहपति शाह को हरा देते हैं। और उसके पश्चात दोस्तों होता यह है कि राजा फतेहपति शाह हारने के बाद फिर दापा क्षेत्र यानी तिब्बत पर आक्रमण करते हैं और इस बार वो तिब्बत पर आक्रमण करने में सफल हो जाते हैं। सफल होने के पश्चात अपनी जीत की खुशी में वो अपनी टोपी कोट और तलवारें दापा के बौद्ध मंदिरों में रख देते हैं। जिस प्रकार बर्तवाल भाइयों की तलवारें आज भी दापा के बौद्ध मंदिरों में हैं, उसी प्रकार राजा फतेहपति शाह के कोट टोपी और तलवारें आज भी कहां पर हैं, दापा के बौद्ध मंदिरों में। अब बात करते हैं दोस्तों राजा फतेहपति शाह का कुमाऊं के राजाओं से युद्ध। दोस्तों वैसे तो राजा फतेहपति शाह के समकालीन कुमाऊं में कई सारे राजा शासन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोस्टली सिर्फ तीन राजा पढ़ेंगे क्योंकि राजा फतेहपति शाह का इन तीन राजाओं से कई बार आक्रमण होता है और एक बारी तो इसको 12 वर्षीय आक्रमण या 12 वर्ष तक लगातार आक्रमण कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजा के समय 12 वर्षीय आक्रमण हुआ था कुमाऊं के इन तीन राजाओं से, तो राजा फतेहपति शाह के टाइम पे 12 वर्षीय आक्रमण हुआ था इन तीन राजाओं से, उद्योगचंद, ज्ञानचंद एवं जगतचंद से। अगर बात करें दोस्तों इसमें राजा उद्योगचंद जब कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहले वो चमोली और बागेश्वर सीमा में बदानगढ़ पर आक्रमण करते हैं और वो बदानगढ़ को जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में दोस्तों राजा फतेहपति शाह के द्वारा उद्योगचंद के सेनापति मैसी साहू मारा जाता है। बदानगढ़ तो जीत लेता है राजा उद्योगचंद, लेकिन उसके एक सेनापति मैसी साहू की मृत्यु हो जाती है इस बदानगढ़ युद्ध में। दोस्तों जीत तो लिया उसने, लेकिन सेनापति मारा जाने के बाद उसकी हार हो जाती इस युद्ध में और इसके बाद एक सिलसिला बन जाएगा कि जो राजा युद्ध हारेगा वो दोबारा से उस राजा पर आक्रमण करेगा जो जीतेगा। अब जैसे यहाँ पर राजा उद्योगचंद हार गया तो उसके बाद राजा उद्योगचंद फिर से 1679 में दोबारा आक्रमण करेगा गढ़वाल पर। अगर यहाँ पर राजा फतेहपति शाह हारता तो ये आक्रमण करता कुमाऊं पर, लेकिन बदानगढ़ को जीतने के बाद और मैसी साहू का मारा जाने के बाद
राजा उद्योग चंद फिर से 1679 में गढ़वाल पर आक्रमण करेगा और इस बार वो श्रीनगर में थोड़ा बहुत लूटपाट मचा देगा। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि गढ़वाल का राजा राजा फतेहपती शाह 1680 में डोटी के राजा से संधि कर देता है, यानी दोनों राजा आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद राजा फतेहपती शाह और डोटी का राजा देवपाल दोनों मिलकर कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। कुछ समय तक युद्ध चलता है, लेकिन उसके बाद भी ये राजा उद्योचन इन दोनों राजाओं को हरा देता है। जब ये दोनों मिल गए राजा फतेहपती शाह और देवपाल, उसके बाद भी दोनों के दोनों कुमाऊं के राजा उद्योचन से हार जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि होता ये है लगभग 1698 ईस्वी के आसपास उद्योचन बीमार हो जाता है और इसकी खवासन रानी पार्वती राजा फतेहपती शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता देती है। जब 1698 ईस्वी में राजा उद्योचन बीमार हो जाता है तो उसकी रानी पार्वती राजा फतेहपती शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता देती है और राजा फतेहपती शाह आक्रमण करता है कुमाऊं पर और कुमाऊं पर थोड़ी बहुत लूटपाट करके फिर वापस आ जाता है अपने गढ़वाल क्षेत्र में। इस प्रकार दोस्तों राजा उद्योचन से 12 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहता है और लास्ट में जब उद्योचन की 1698 ईस्वी के आसपास मृत्यु हो जाती है तो फिर से कुमाऊं पर राजा ज्ञानचंद राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, कुमाऊं की राजगद्दी पर। दोस्तों अब 1698 ईस्वी में राजा उद्योचन की मृत्यु के बाद कुमाऊं में राजा ज्ञानचंद द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है और राजगद्दी पर बैठने के बाद तुरंत 1699 ईस्वी में राजा ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल क्षेत्र के बदानगढ़ पर आक्रमण करता है और बदानगढ़ में लूटपाट मचा देता है और यहां से नंदा देवी की मूर्ति, नंदा देवी जी की सोने की मूर्ति अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर देता है। बदानगढ़ को लूटने के पश्चात वहां पर नंदा देवी की सोने की मूर्ति अल्मोड़ा के नंदा देवी के मंदिर में स्थापित कर देता है। सेम उसी प्रकार जब कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति लाकर अल्मोड़ा के मल्ला महल में स्थापित कर दी थी, कब? सन 1638 और 1678 के बीच राजा बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में शासन किया था और अभी हम पढ़ रहे हैं 1699 ईस्वी। दोस्तों अब सन 1701 ईस्वी में राजा फतेहपती शाह ने चंद राज्य पर लूटपाट मचाई। दोस्तों ये सिलसिला जारी है कि एक हारेगा तो दूसरा अटैक करेगा, दूसरा जीतेगा तो फिर तीसरा अटैक करेगा, तो बार बार ये राजा एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर अभी राजा फतेहपती शाह हार गया था, उसके पश्चात फिर से फतेहपती शाह ने आक्रमण किया, अगर राजा ज्ञानचंद हार जाता है तो फिर से यहाँ पर फतेहपती शाह आक्रमण करेगा कुमाऊं राज्य पर। दोस्तों अब सन 1703 ईस्वी में एक इम्पोर्टेंट बैटल होती है यहाँ पर, जिसे दुधौलिका युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1703 ईस्वी में दुधौलिका युद्ध होता है और इस युद्ध में सन 1703 ईस्वी में कुमाऊं का राजा ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल पर पुनः यानी एक बार फिर से आक्रमण करता है और इस बार दुधौली के युद्ध में राजा फतेहपती शाह की करारी हार हो जाती है। अर्थात 1703 ईस्वी में राजा ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में राजा फतेहपती शाह की हार हो जाती है और इस युद्ध को दुधौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप लोग घनश्याम जोशी जी की बुक से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी बुक में इस बैटल की डेट 1705 लिखी हुई है, जो कि गलत है। तो दोस्तों इस डेट को सही कर देना कि 1703 ईस्वी में दुधौली का युद्ध हुआ था, यानी बैटल ऑफ दुधौली, जो कि राजा फतेहपती शाह एवं राजा ज्ञानचंद द्वितीय के बीच हुई थी। दोस्तों इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है,
जैसे कि 1698 ईस्वी में राजा उद्योचंद की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये राजा ज्ञानचंद राजगद्दी पर बैठते हैं कुमाऊं की, उसके बाद 1703 ईस्वी दुधौली का आक्रमण, ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इतनी लंबी कहानी आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें 1707 ईस्वी में, दोस्तों 1703 ईस्वी में राजा ज्ञानचंद संपूर्ण तरीके से हरा देता है फतेहपति शाह को, लेकिन फिर भी राजा ज्ञानचंद चुप नहीं बैठता। वो क्या करता है, 1707 ईस्वी में ज्ञानचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण कर जूनियागढ़ जीता, यानी फिर से 1707 ईस्वी में राजा ज्ञानचंद द्वितीय ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल का जूनियागढ़ अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1710 ईस्वी में राजा फतेहपति शाह अपनी सेना को ताकतवर बनाएगा और फिर कुमाऊं पर आक्रमण करेगा, लेकिन इस बार राजा फतेहपति शाह कुमाऊं के बैजनाथ क्षेत्र को जीत लेगा, यानी कुमाऊं के बैजनाथ क्षेत्र को जीत लेगा राजा फतेहपति शाह। और इस विजय के बाद राजा फतेहपति शाह ने कत्यूरपट्टी का गढ़सार गांव बद्रीनाथ मंदिर को दान दिया था। जब उसने कुमाऊं के बैजनाथ क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था, उसके बाद उसने कत्यूरपट्टी का गढ़सार गांव अपने बद्रीनाथ मंदिर को दान दे दिया था, और इस समय कुमाऊं का राजा जगतचंद था। यानी इतिहासकारों ने बताया है कि जब राजा फतेहपति शाह ने कत्यूरपट्टी का गढ़सार गांव और बैजनाथ क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र में मिला लिया था, उस टाइम पर कुमाऊं का राजा कौन था, तो राजा जगतचंद। दोस्तों ये फैक्ट फिर से याद रखना आप, 1703 की दुधौली का युद्ध 1703 ईस्वी में हुआ था फतेहपति शाह एवं राजा ज्ञानचंद द्वितीय के बीच, जिसमें राजा ज्ञानचंद की जीत हो जाती है।